दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। हिमाचल प्रदेश के किसानों को पॉली हाउस का कंसेप्ट देने वाले फ्लोरिकल्चर डॉक्टर मुश्ताक मोहम्मद समेत 10,000 किसानों को कोरोना काल ने गहरे जख्म दिए हैं। फूलों की इंडस्ट्री को कोरोना से करीब 200 करोड़ रुपए की चपत लगी है। गगरेट में पावड़ा गांव के मुश्ताक मोहम्मद ने प्रदेश में भी कई किसानों के पॉली हाउस लगवाए तो स्वयं भी गगरेट में फूलों की खेती शुरू की। काम अच्छा चल निकला तो कोरोना ने ऐसा धावा बोला कि जो गुलाब के पौधे 8 साल तक फसल दे सकते थे उन्हें उखाड़ कर सब्जी उत्पादन में हाथ आजमाना पड़ा। पॉली हाउस का प्रबंधन देखने वाले डॉक्टर गुरुंग कहते हैं कि महामारी का दौर खत्म हो तो फिर से फूलों की ही खेती की जाएगी। हालांकि दुख पहलू ये है कि कोरोना काल में पॉली हाउस संचालकों को पड़ी मार की किसी ने भी सुध नहीं ली है। उधर बागवानी विभाग के उपनिदेशक अशोक धीमान का कहना है कि कोरोना काल में फूल उत्पादकों को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। गुरुंग साहब, पहले तो हमें ये बताएं जो यहाँ ये पॉली हाउस लगे हैं ये कब लगे और किसने लगवाए? ये मिस्टर मुश्ताक मोहम्मद जी हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था 2003 में। उन्होंने ये पॉली हाउस बनाए थे फ्लोरिकल्चर के लिए। इसमें ये रोजेज, जरबरा, कार्नेशन वगैरह ग्रो करते थे, पर जब ये पिछले साल कोरोना का आया तो उसमें काफ़ी लॉस हुआ। कम से कम भी इस प्रोजेक्ट को 3 करोड़ का लॉस हो गया, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा इसको वेजिटेबल की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो इसलिए अब हम थोड़ा वेजिटेबल का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें हम कुकुम्बर, कैप्सिकम, मेलन वगैरह उगा रहे हैं। मतलब मार्केट ना होने की वजह से नुकसान हुआ है? नहीं, ऐसा है ना, अब कोरोना में ये जो मैरिजेज, पार्टीज वगैरह नहीं होती तो इसमें फ्लावर्स की डिमांड बिल्कुल नील है। तो हमारे जितने भी थे रोज वगैरह वो एक किस्म से लॉस हो गया काफ़ी ना, मार्केट में बिके ही नहीं, तो ये काफ़ी लॉस हुआ। तो अब क्या करना था फिर, इसलिए ये वेजिटेबल की तरफ डाइवर्ट किया गया इसको। फिर पौधे उखाड़ दिए गए वो फूलों के? उखाड़ के उसको बिल्कुल हमने मतलब डिस्कार्ड कर दिया। नहीं, गुरंग साहब, फूलों में ज़्यादा फायदा था या सब्जी में? क्या किसानों को क्या? फूलों में ज़्यादा प्रॉफिट है, पर अब डिमांड नहीं थी इसलिए हमें थोड़ा सा करना पड़ा। तो खैर, वेजिटेबल में भी ठीक है, इसमें भी अच्छी इनकम है। जैसे रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम मार्केट में अगर अच्छे टाइम की आ जाए तो उसमें रेट अच्छा मिलता है। हिमाचल में कितने किसान हैं जो फूलों का काम ही कर रहे थे? इसमें कम से कम भी 10,000 के करीब तो किसान जुड़े हुए थे पॉली हाउसेज में। अब तो पहले फ्लोरिकल्चर का जो काम कर रहे थे, अब आस्ते आस्ते ये वेजिटेबल की तरफ हो गए। तो इस इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ होगा हिमाचल हिमाचल में की बात करें तो? अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ का तो है नुकसान। 200 करोड़ का, क्योंकि यहीं पर ही इसी प्रोजेक्ट में 3 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। तो क्या हॉर्टिकल्चर वाले या एग्रीकल्चर वाले भी आते हैं आपको, कोई उनकी तरफ से गाइडेंस या कोई मदद? बीच बीच में आते हैं हॉर्टिकल्चर के एम्प्लॉइज वगैरह, विजिट करते हैं, देखते हैं, वो बताते हैं कि इन पौधों को क्या दो अब क्या नहीं। हाँ जी, एक्चुअली हमारे पास जो भी स्टाफ वगैरह सारा ट्रेंड है, उनको पता है कौन सी टाइम में कौन से पेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से करना है, सब पता है। फिर भी डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी मदद मिलती है। कितना स्टाफ है इस वक्त आपके पास यहाँ? हमारे पास अभी 5 सुपरवाइजर्स हैं, BSc एग्रीकल्चर, फार्म मैनेजर हैं, और दूसरे इरिगेशन के लिए भी रखे हमने लड़के। बाकी कम से कम भी हमारे पास 100 के करीब जो हैं लेबर हैं, वो ट्रेंड हैं, उनको सब पता है। मतलब 100 परिवार? हाँ जी, ये माना जाए कुल मिलाकर 150 परिवारों को आप रोज़गार दे रहे थे यहाँ पर। 150 परिवारों को, 150 घर यहाँ से चल रहे थे। तो अब अगर कोरोना ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या आप इसी में आगे चलेंगे, सब्जी में ही, या फिर फ्लोरिकल्चर की तरफ मुड़ेंगे? इसमें फिर हम देखेंगे, थोड़ा फ्लोरिकल्चर की तरफ जाएंगे। तो अब आपने जो खीरा लगाया था आप बता रहे थे, कुकुम्बर और कैप्सिकम, हाँ जी, तो कुछ पीछे बेचा भी होगा, तो कितने उसमें आमदन हुई आपको? इसमें हमारा ठीक है, जैसे हम ग्रो करते हैं ना, एक बेल से कम 4 किलो की एवरेज आ जाती है। तो एक किलो का जैसे खीरे का रेट हमें
30 रुपए के करीब मिल जाता है, 25-30 रुपए के। और जो कैप्सिकम है वो येलो रेड का जब अच्छा मिलता है तब तो 120 के करीब मिल जाता है, और अगर उसको ग्रीन में सेल करें फिर भी 40 के करीब, 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। अब आप क्या लगा रहे हैं आप इनमें पूरी हाउस में? अभी हमारे पास कैप्सिकम है, कुकुम्बर है, अभी दोबारा फिर यही लगा रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद जी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गगरेट से अजय ठाकुर की रिपोर्ट।